केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आम चुनावों से ठीक पहले किसानों को लुभाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे 14 फसलों पर समर्थन मूल्य बढ़ाने को हरी झंडी दी गई है। सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा। इस निर्णय का सांसद वीरेंद्र कश्यप ने स्वागत किया और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो घोषणाएं केंद्र सरकार ने किसानों के लिए की थी उसे उन्होंने पूरा करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए कदम उठाते हुए खरीफ की फसल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है, जिससे किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों को कभी हानि उठानी नहीं पड़ेगी। केंद्र की जो हमारी सरकार है उसकी कैबिनेट में एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। जैसा हमने अभी हाल ही के बजट में 2018-19 में किसानों से कमिटमेंट की थी कि आने वाली जो भी खरीफ की फसल है उसमें 150% तक की जो है वृद्धि जो है वो MSP के पर की जाएगी, और आज वो निर्णय लिया गया है। मैं ये जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, और साथ ही साथ अपने कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी का, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है। और वैसे भी हमारी सरकार कमिटेड है कि 2022 तक जो है देश के किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाए, तो उसमें एक ये भी अहम भूमिका आने वाले समय में निभाएगी।